नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कोई भी रेसिपी नहीं बनाऊंगी, आज मैं खाना खाऊंगी। तो आइए देख लेते हैं आज मैंने क्या क्या बनाई है। तो देखिए दोस्तों, हमने देखिए अंडे और आलू की एक मतलब अंडे को फोड़ के उसका एक मतलब सब्जी बनाई हूँ। और देखिए पालक की भुजिया है और परवल की भुजिया है और देखिए भात है और नींबू है और ये देखिए नमक है। नमक ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं लूँगी। स्टार्ट करते हैं खाना। इसमें बहुत मिर्ची है और खाना को हमेशा अच्छे से चिबा चिबा के खाना चाहिए, जब ही खाना हमारी हजम होगी। सब जानते हैं, फिर भी मैं बोल रही हूँ थोड़ा। और आपने देखा होगा मेरे आसपास पानी नहीं है, मतलब पानी है थोड़ा दूर है। मैं खाना खाने के टाइम पानी बहुत कम पीती हूँ, बहुत कम। खाना खाने से पहले मैंने पानी पी लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं लूँगी। हल्का सा लेती हूँ, एक दो घूंट, लेकिन बहुत कम लेती हूँ। खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, अगर ज़्यादा पानी की प्यास का लगे तो आप मठा यानी कि घोल उसको खा सकते हो। फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं ज़रूरत पड़ेंगे तो थोड़ा सा लूँगी, बहुत कम, ज़्यादा मिर्ची लगे तो। और खाना को हमेशा अच्छे से चिबा चिबा के खाना चाहिए। और चावल के संग हमेशा मैं हरी मिर्च और अच्छा जो नींबू होती है उसको मैं लेती हूँ। और नमक, नमक पहले मैं खाती नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाने के लिए बोला है, वो भी सेंधा नमक, व्रत में जो खाते हैं वो वाला नमक। तो मैंने संग में लेके बैठी, नमक ज़रूरत पड़ेंगे तो और लूँगी, लेकिन मैंने ले लिया ज़्यादा सा।
पोटल की जो भुजिया है बंगाली का सबको मालूम है ये पोटल वाला है। तो ये पोटल की जो भुजिया है ये बंगाली का एक ट्रेडिशनल फूड है। पोटल के सीजन में, परवल के सीजन में इसको डेली ऐसे खाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। घर में जब नंदुरा भाती थी थोड़ा थोड़ा चावल लूँगी। मैं सोच रही थी मैं इतनी सी खाना मैं कंप्लीट कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा हर लेकिन आज हम सुबह से कुछ भी नहीं खाए, मतलब ब्रेड खाए थे, एक एक ब्रेड और चाय पिए और थोड़ा सा नमकीन खाए। और काम करते करते अभी कितने बज रही है नैन? 1:30 से 2 बजे के आसपास हो जाएंगे। बहुत तेज भूख लग रही है लेकिन अब मैं आपसे कोशिश करूँगी थोड़ा सा खाना कम खाऊं और सब्जी ज़्यादा खाऊं। सलाद वगैरह खाना मैंने छोड़ दिया, बहुत दिन हो गया, आप स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप खाने की मन भी नहीं करती है सलाद खाने की, लेकिन खाना पड़ेगा, अब हेल्दी खाना पड़ेगा। और इस नींबू में बहुत रस है। और ये जो मिर्ची है ना, ये बहुत मिर्ची है, ये जो मिर्ची है खत्म कर दिया। और अंडा को फोड़ के खाने में उसका झोल बनाना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, जैसे थोड़ी देर में छाव हो रही है, बादल से आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। छत पे बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। गेहूँ है, मैंने गेहूँ सुखाया था, गेहूँ कल धोए थे, आज सूख जाएंगे अगर बारिश नहीं हुआ तो। और भी बहुत सारे सामान है तो मैं बार बार देख रही हूँ बारिश ना आ जाए। खाना खाने के बाद 2 लगे पहले छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा काम खत्म कर लूँगी, क्योंकि बारिश आ जाएंगे अचानक अगर तो बहुत सारे सामान संभाल नहीं पाऊँगी। उस वजह हमारे जो कंडा होते हैं ना वो है बहुत सारे छत पे। खाना को हमेशा चिबा के खाना चाहिए, चिबा के जब भी अंदर जाके अच्छे से हजम होंगे। मैं देखती हूँ बहुत सारी ईटिंग शो होती है, सट सट खा लेते हैं, पता नहीं कैसे वो हजम करते हैं यार, वो वीडियो के चक्कर में तबीयत खराब करते हैं। मतलब ज़रूरी है
वीडियो जो यूट्यूब पर तुमको मालूम है, लेकिन शरीर का ध्यान रख के काम करो भाई, वरना फायदा क्या है। पैसा कमाओ और डॉक्टर को दियो, कोई फायदा नहीं है। शरीर को पहले देखो भाई, शरीर है हमारा सबसे बड़ी अनमोल संपद जो बोला जाता है। शरीर सही रहे तो हम सारे काम कर सकते हैं, अच्छे से सारे चीज़ कर सकते हैं। अगर शरीर ना सही रहे और आपके पास बहुत सारी पैसा है, क्या करोगे इस पैसा का? कोई काम का नहीं है। इसलिए पहले शरीर, उसके बाद में काम। और खाना बनाने में बहुत लेट हो गया, मैं 12 बजे खा लेती हूँ, 12:30 के आसपास। इस टाइम तो मेरा थोड़ा सा कुछ खाने की मन करता है ऐसे टाइम में। और मेरी खाना बहुत सिंपल है, बिल्कुल हरी मिर्च की बनाई हूँ मैंने। मेरी जो रेसिपी में जैसे आप देखते हो वैसी है। ये जो मैंने अंडे की जो सब्जी बनाई है हरी मिर्च की है, बिल्कुल मैंने सूखा मिर्च नहीं डाली हूँ, बहुत कम मसाले में बनाई हूँ। और कभी कभी जब रेसिपी बनाती तो उसको मसाला अच्छे से दिखा के लिए मैंने मसाला कभी कभी ज़्यादा, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी डालती हूँ। लेकिन हम सूखा मिर्च और कश्मीरी रेड चिली बहुत कम यूज करते हैं, बहुत कम। घर के लिए तो कभी नहीं, कभी नहीं। वो होता है वीडियो दिखाने के लिए थोड़ा सा, मतलब आपका रेसिपी अगर कलरफुल हो तो शायद व्यूज आए, इसलिए डाल जाता है। लेकिन व्यूज बहुत कम है, बिल्कुल नहीं आते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, शायद नहीं आ रही इसलिए, लेकिन अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कब तक आते हैं व्यूज। तो मेरी खाना ख़त्म हो गई। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपने कैसे इंजॉय किया आज का दिन। और आज हाँ, मुसलमान के सारे भाई बहनों को मेरे तरफ से क्या है, मुहर्रम मुबारक। मुहर्रम है तो मुसलमान के सारे भाई बहनों को मेरे तरफ से मुहर्रम मुबारक। अच्छे से इंजॉय करिए अपनी फैमिली के संग, फ्रेंड के संग, रिश्तेदारों के संग, सबके संग। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी एक प्यारी सी कमेंट हमारी आगे वीडियो बनाने की, थोड़ा हम उत्साहित हो जाती है, अच्छा लगता है काम करने। तो एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। और तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।